हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में होने वाली है मल्टीपल हायरिंग अपॉर्चुनिटीज, जिसके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे रेविटी से। सो रेविटी यहाँ पर हायर कर रही है ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। जॉब लोकेशन आप देख सकते हो, थाने इंडिया रहने वाली है। इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स के लिए हायरिंग आई हुई है। बाकी इसमें बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट रखी गई है। बाकी जब आप अप्लाई नाउ पर बटन करोगे, आप डायरेक्टली पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, जिसके थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये एक स्टार्टअप कंपनी है, और मतलब रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है। ऐसी कंपनी नहीं है कि मतलब कोई ना जानता हो, ठीक ठाक कंपनी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी ठीक है। ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनकी रिक्वायरमेंट है। सो यू गाइस कैन ट्राई टू अप्लाई। बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली पोस्ट करी गई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम क्वालकम। सो क्वालकम यहाँ पर हायर कर रही है। एंड टॉकिंग अबाउट क्वालकम, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो अलग अलग रोल है। पहला है ओपनिंग फॉर बी टेक, एम टेक, सी एस, ई सी पास आउट टू वर्क विथ एम्बेडेड टेस्ट टीम इन हैदराबाद। कैंडिडेट शुड हैव गुड कोडिंग स्किल्स ऑन सी और पाइथन। इफ इंटरेस्टेड प्लीज शेयर योर रेज्यूम। सो आप देख सकते हो, ये क्वालकम के जो हायरिंग मैनेजर है, डायरेक्टली उनने अपनी ईमेल आईडी शेयर कर रखी है। एम्बेडेड टेस्ट इंजीनियर के लिए यहाँ हायरिंग हो रही है, बट इनने कोई भी यहाँ पर पास आउट बैच नहीं मैंशन किया है। साथ साथ में एक और यहाँ पर हायरिंग देखने को मिल रही है क्वालकम से। सो क्वालकम हायरिंग फ्रेशर्स बी टेक एंड टेक विथ कंप्यूटर साइंस आई टी ई सी स्ट्रीम हु आर गुड इन सी प्रोग्रामिंग, 2023-2024 पास आउट ओनली, हायरिंग फॉर बोथ डेवलपमेंट एंड टेस्ट टीम। इसमें डेवलपमेंट टीम भी है, और अगर आप देख सकते हो तो इसमें हैदराबाद एंड बैंगलोर दो जॉब लोकेशन है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन शेयर योर रिज्यूम। तो ये भी यहाँ पर रिक्रूटर है, तो दोनों बिल्कुल ऑफिशियल रिक्रूटर्स की आई डी है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर इसमें अप्लाई कर देना। वैसे क्वालकम टीयर वन कैंडिडेट्स को प्रेफर करती है, बट क्या पता कोई जुगाड़ लग जाए। तो हायरिंग अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है क्वालकम की तरफ से, बिल्कुल रिसेंटली अनाउंस है। सो जरूर इसमें अप्लाई कर देना। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम नो ब्रोकर, हायरिंग फॉर नॉन आई टी रिक्रूटर्स। इसमें 2024, 2023, 2022 सभी बैचेस अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें आप देख सकते हो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह मेंशन है, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई। देन वी हैव अ नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हाई लेवल। सो हाई लेवल इज हायरिंग फॉर एस डी ई टी इंटर्न। सो अगर आप देखोगे तो जॉब लोकेशन दिल्ली रहने वाली है, इंटर्नशिप है, रिमोट है। आपको डायरेक्टली अपना सीवी यहाँ पर अपलोड करना है, बेसिक डिटेल्स लाइक फुल नेम, ईमेल, फोन, करंट लोकेशन वगैरह फिल करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज अ फुल टाइम 6 मंथ इंटर्नशिप, एंड द इंटर्नशिप विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2024। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई टू अप्लाई। बाकी इसमें 2024-23 बैच प्रमुखता है अप्लाई कर पाएंगे, नीचे ग्रेजुएशन बैच भी और यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई फॉर दिस एज वेल। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अनस्टॉप, द डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी। जैसा आप देख सकते हो अभी राउंड्स इसके लाइव है। सो आप देख सकते हो असेसमेंट अभी इसमें लाइव है, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम बाइटरिच, दे आर हायरिंग फॉर 2025 बैच। सो आर यू अ बी बी टेक 2025 बैच स्टूडेंट्स ईगर टू गेन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, वी आर ऑफरिंग अ 8 वीक अकेडमिक इंटर्नशिप। रिक्वायर्ड स्किल्स एनी वन, एंगुलर, रिएक्ट, एंड्रॉयड, आई यू एस, नेट, जावा, नोट, एंड 8 वीक्स की इंटर्नशिप रहेगी। एंड दिस इज फॉर 2025 बैच। लिंक यहाँ पर दी हुई है, सो यू गाइस कैन ट्राई टू अप्लाई। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी दैट इज फ्रॉम जेनपैक्ट। सो जेनपैक्ट इज हायरिंग। सो इफ यू कैन सी, जेनपैक्ट इज हायरिंग फॉर इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस, ब्लेंडेड प्रोसेस, प्रोसेस एसोसिएट। जॉब लोकेशन गुड़गांव है। फ्रेशर्स आर एलिजिबल। यहाँ पर ईमेल आईडी दी है रिक्रूटर की। मेल में आपको नेम, करंट ऑर्गेनाइजेशन, करंट सीटीसी, एक्सपायर्ड सीटीसी, नोटिस पीरियड, ये सब देना है आपको। सो आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।